यही वो घर है जहाँ पर लोग रहते हैं, ऊपर और नीचे पानी आता है, और इसकी ज़िंदगी ऐसी है इन लोगों की, ठीक है। और ये टूरिस्ट पैलेस बन गया है कंबोडिया का नंबर वन, बहुत हजारों के तादाद में दिन में लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखो, ये जितने भी आप घर देख रहे हो ना, ये देखो आप ये घर देख रहे हो, तो ये है फ्लोटिंग गांव। तो यहाँ पे जितने भी हजारों गांव घर है, हजारों घर जो सिर्फ पानी के ऊपर है, देखो ये देख सकते हो। आपको पिक्चर कैमरा करके प्रॉपर ये वीडियो बताता हूँ ताकि आप समझ पाए। ये सब देखो औरतें वगैरह बैठे हैं इसमें, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब शायद रूई का या ऐसा कुछ। कार की सुगंध आ रही है। मित्रों, फ्लोटिंग विलेज जाने के लिए यहाँ से हमने टिकट ले लिया है, और टिकट है लगभग $30 की है यहाँ पर, आप देख सकते हो, जो US के $30 है। ओके, यहाँ पर मिल जाएगी। डिश लोकेशन है कंपोप्लोक, कंपोप्लोक की लाइक। हाँ हाँ, डिस विलेज नेम कंपोप्लोक। ये कंपोप्लोक की लाइक। हाँ हाँ, ठीक है। तो भाई साहब, यहाँ से टिकट लिया है हमने, और अभी चलते हैं हम टुक टुक से। ठीक है भाई, तो लगभग $30 की मैंने ली है, तो 25-26 रुपये आप देख सकते हो, 830 रुपये होते हैं $10 के, तो फिर कितना हो गया, समझो 8, 8, 8, 24, तो फिर 2400 रुपये है भाई टिकट के। देखते हैं अभी, चलते हैं 2400 रुपये में क्या क्या दिखाते हैं लोग, ठीक है। और आए हैं तो भाई यहाँ की फेमस जगह है, तो फिर ले लेती हैं भाई क्या है, ठीक है ना। हालांकि मैंने वीडियो में देखा था कि भाई प्राइस यहाँ की कम है, तो यहाँ पे कम नहीं है, क्योंकि इस पे लिखा है ना $30 कोई ले रहे हैं। मैं बोला कम करोगे, वो बोले कम नहीं होगा, आपको सिर्फ वापस जा सकते हैं। फिर मैं सोचा कि यार फिर इतना तक आ गए हैं तो फिर चले जाते हैं यार, वो देख के जाते हैं ना, जिंदगी में वापस आते हैं तो नहीं है, आने का होगा या नहीं होगा, परंतु देख के तो जाते हैं यार कैसा सिस्टम है। भाई हरा भरा इलाका है यहाँ पर, आप देख सकते हो दोनों साइड में नलियाँ हैं, और खेती वही हुई है, चावल है, मेरे हिसाब से चावल है खेती की, चावल है खेत में, ठीक है। यहाँ पर उन्हें बस आ रही है, और देखते हैं ठीक है भाई लोगों। तो फिर अब जा रहे हैं हम फ्लोटिंग जो विलेज है वहाँ पर जाते हैं, और पैसा हमारा फोटो खींच रहे हैं, ओके। हाउ आर यू? सॉरी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके, एंड यू? आई एम गुड। ठीक है भाई, अगर यहाँ से शायद टिकट लिया होता तो मेरे को सस्ता पड़ता था, परंतु कोई बात नहीं। ठीक है मित्रों, फाइनली जाते हैं हम फ्लोटिंग गांव देखने के लिए, और यहाँ सब एंट्री होते हैं, ये देखो, ठीक है। दिस वन तो इस बोट में हम चढ़ेंगे, यहाँ से भाई स्टार्ट हो रहे हैं हम, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो चुकी फाइनली हमारी गाड़ी, अब देखते हैं
रहा है ये, इधर बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये गिरने के चांसेस है उधर साइड, क्या इस साइड बैठ रहे हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है भाई बोट, ठीक है, गियर पलटा, गियर पलटाया है, अब हम जा रहे हैं सीधा। ये देखो भाई यहाँ पर जितने भी बोट खड़ी है ये सब टूरिस्ट लोगों के लिए है, यहाँ पे बैठाते हैं और लेके चलते हैं। हालांकि मोबाइल वगैरह यहाँ पे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि आपको भी पता है। तो मित्रों यही है फ्लोटिंग विलेज, जो पानी इधर रहता है नीचे और घर ऊपर रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई लोग जिंदगी जी रहे हैं यहाँ की, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसको फ्लोटिंग गांव बोलते हैं। ये देखो लोग अपने, आप देखो ये पानी के बीचों बीच घर है। तो यहाँ पर लगभग ये अभी तो पानी कम है, पानी आता है तब ये सब पूरी मतलब नीचे पूरा पानी रहता है, ऊपर सब लोग रह रहे हैं। देखो ये ठीक है, और ये देख सकते हो देख पा रहे हो आप ये। ये मेरे हिसाब से यहाँ पे ये सब लोग मछुआरे ही रहते होंगे, नहीं तो इधर कौन रहना चाहता है। ये सब मछुआरे ही है यहाँ पर रहते हैं ऊपर, और इनकी सबकी अलग अलग पर्सनल बोट है जो मच्छी पकड़ते हैं और बेचते हैं, खाते हैं, फिर वही काम करते हैं। और यहाँ पे देखो एक मोतरबा सब्जी वगैरह सब कुछ बेच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट भी इस छोटी सी नदी के अंदर ही लगता है, ठीक है ना। ये देखो आप चारों तरफ देखो कि गहरी गहरी नजर आएंगे आपको यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये, ये देखो यहाँ पर ये पूरी नेट है पूरी इसकी। देखा आपने, देखो सब घर पानी में है और लकड़ी के जो खंभे हैं उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है, ये देख सकते हो। और यहाँ पे यहाँ पर पूरा मच्छी का धंधा है, ये देखो ये पूरी मच्छी है इसमें।
गांव तो घर तो हुए पूरे हो गए हैं और अब इस नदी के उस साइड से पूरा राउंड निकाल कर वापस आता है। ठीक है, हालांकि बास तो अभी बहुत आ रही है, फिर भी क्या करें भाई। उतर रहे हैं भाई और उतर कर यहाँ का यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जितने भी यहाँ पे जो औरतें वगैरह है वो मतलब सामान वगैरह, ये जिसमें बैठ रहे हैं और ये देखो मतलब ये बना रही है कुछ एम्ब्रॉयडिंग डिजाइन कर रही है ये देखो मतलब हाथों से डिजाइन बना रही है, देखो इधर का जो अंकुर मंदिर है उसका डिजाइन बना रही है ये देखो। तो हेलो ठीक है, और ओ भाई तो यहाँ के मतलब सभी औरतें यही काम करती हैं। हाय हाउ आर यू, ये सब मतलब मच्छी के लिए वो नेट बना रही है, जाली बना रही है। अगर आपको नाश्ता वगैरह कुछ करना है तो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो आप नाश्ते के लिए सीट है यहाँ पर भी बैठ सकते हो। ठीक है मित्रों, तो फाइनली हम रवाना हो रहे हैं अभी वापस, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी पेड़ है वो पानी में है, देखो ठीक है। और यहाँ पर जो लोगों जो एक और छोटे छोटे बोट आपको बताए थे वो इन्हीं पानी जंगलों के बीच से आपको यहाँ पर घुमाते हैं और $10 लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए था अभी $10 यहाँ पर ऐसा। भाई आप कंबोडिया लाओ इस कंट्री में आप आते हो ना, तो यहाँ पे मतलब मंथ के हिसाब से पैसे लेते हैं लोग। अगर पुलिस वाले की ले सकते हैं तो दूसरी की क्या बात है, ठीक है ना। ये है इधर का सिस्टम है। अब आ गया सबसे बड़ा चिड़िया, आप देख सकते हो भाई पानी ही पानी नजर आएगा आपको, ये देखो भाई अब मजा आने वाला है। जैसे पूरा समुद्र है वैसा लग रहा है।